हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार, आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर हम बात करेंगे पहले कुछ चीजों से रिलेटेड, कुछ ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो हमने आपको दिए थे। सबसे पहले मोरारका फाइनेंस कब दिया था, यहां पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। कल परसों के दिन ही यहाँ पर आपको स्टॉक्स यहाँ पर देखिए मोरारका फाइनेंस यहाँ पर देते हुए नजर आए। क्या कहा था कि यहाँ पर टारगेट पहले ही बता दिया था 36% का टारगेट, बल्कि 36 से ऊपर गया। तो देखिए, जो ये टारगेट होते हैं ना, जो ये लाइंस होती है जो हम डिसाइड करते हैं, वो ऑलरेडी प्रीफिक्स होती है और पहले से ही यहाँ पर पता चलती है कि यहाँ पर ही आके चीजें रुकेगी। तो आज देखिए, यहाँ से ऊपर जरूर गया था, बट क्या हुआ, ऊपर जाके यहाँ पर नीचे गिरता हुआ नजर आया, अपर सर्किट लगा और फिर इसके बाद चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी। क्या चीजें बेकार हो गई? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें अभी खरीदनी चाहिए? ये इसके लिए भी वेट करना चाहिए। और यहाँ पर आपको पता चलेगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो टारगेट हमने निकाले थे ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहाँ पर देखें ये सारे के सारे चीजें हमें यहाँ पर चीजें समझ में आती है। तो आपको यहाँ पर चीजें समझनी होगी, उसके हिसाब से काम करना होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देखिए यहाँ पर हमारा बनता हुआ नजर आया कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। इसी तरीके से हमने यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊँ, स्टार हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर मैं आपको निकाल के दूंगा, तो आपको पता चलेगी कि जिस लेवल को हमने यहाँ पर बताया था, ओके, उसी लेवल को देखिए यहाँ पर टच करके चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी। तो इसी तरीके से चीजें काम करती हुई दिखाई देती है। और ऐसा नहीं है, ये जितनी भी लाइंस बनाए ड्रॉ की जा रही है ना, जितने भी यहाँ पर ट्रेंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी लाइन, इन्हीं लाइन से ऊपर जाना है, इन्हीं लाइन से नीचे आना है और इन्हीं लाइन पे आके चीजों को रुकना है या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होना है, ओके, और मेक और ब्रेक यहाँ पर चीजें होनी होती ही नजर आएगी। तो इसे सीखने के लिए हमने यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, चीजों को यहाँ पर सीखिए, ओके, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है टेक्निकल एनालिसिस की, फ्री में है, जाके सीखिए, कोई पैसा नहीं देना। और यहाँ पर हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि इस तरीके के स्टॉक्स मैं आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर देता हूँ, आपको हमेशा बताता हूँ। कल मैंने क्या बताया था कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, फार्मा इंडेक्स यहाँ पर करेगा लीड, तो यहाँ पर आप फार्मा उठाइए, कोई भी उठाइए, औरोबिंदो फार्मा क्या होता हुआ दिखाई दिया, 4% आप आज के दिन में, ओके, सुवेन फार्मा क्या होता हुआ दिखाई दिया, 4 से 5% आप, कोई भी नाम लीजिए, एक एक फार्मा का नाम लीजिए, देखिए सारे के सारे फार्मा आज की डेट में ऊपर भागते हुए दिखाई दिए। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स सिखा रहा हूँ, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज सिखा रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग मैंने आप पर सीखा है, वो आपको फ्री में देते हुए नजर आ रहा हूं। तो यहाँ पर सीख लीजिए, ओके, कोई पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, सीख के काम करेंगे, अच्छा पैसा बनेगा। एज वेल एज एक दूसरा चैनल ट्रेडिंग दिल से यहाँ पर बनाया है, जाके इसे यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, आप सब्सक्राइब करेंगे, अच्छी खासी वीडियोस यहाँ पर भी आपको मिलेगी शॉर्ट शॉर्ट में, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्या रिस्क रिवॉर्ड होता है, कैसे टारगेट यहाँ पर डिसाइड करते हैं, इंटरडे की पूरी टिप्स यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। तो जाके यहाँ पर चीजें देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक्स के रिलेटेड, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प। डेली आपको एक नए नए स्टॉक्स, हर एक स्टॉक्स में आपको बताता हुआ नजर आ रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पर डेल्टा कॉर्प का यहाँ पर वीडियो बताया था, ओके, और मैंने आपको बताया था अभी बाइंग नहीं करनी है, ओके, 3 वीक्स पहले यहाँ पर बताया था ये स्टॉक्स। और यहाँ पर अगर हम देखें, उसके बाद से लगातार यहाँ पर गिरावट, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हो सकती है, बट खरीदेंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ खरीदेंगे, जब हमें पता चलेगी कि हाँ अभी खरीदना है तब खरीदेंगे। तो देखिए, मैंने आज इस पर्टिकुलर शेयर को यहाँ पर बाई किया है, ओके, जो प्राइस चल रहा है इसी पे बाई किया है। क्यों बाई किया है, इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताता हुआ नजर आऊंगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प आपके सामने है, बैलेंस शीट पे गए, कॉर्पोरेट एक्शन पे गए, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जो बाईबैक की कहानी है, 2020 में यहाँ पर बाईबैक हुआ, ओके, मर्जर की बात करें तो कंपनी 1:10 में डीमर्ज होती हुई नजर आई थी एरो टेक्सटाइल से, 2007 में मर्जर एरो टेक्सटाइल, यहाँ पर ये डीमर्जर और मर्जर होता हुआ नजर आया। स्प्लिट की बात करें 2008 में यहाँ पर कंपनी का स्प्लिट भी होता हुआ नजर आया, जो 10 की फेस वैल्यू थी वो 1 में कन्वर्ट होती हुई नजर आई। तो क्या स्प्लिट भी दिया कंपनी, डीमर्ज भी हुई, मर्ज भी हुई, कंपनी ने बाईबैक भी दिया, कंपनी लगातार यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 में भी डिविडेंड दिया है, जो कि यहाँ पर आपका अगस्त में, आई थिंक 5th ऑफ अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट है। तो यहाँ पर डिविडेंड लगातार मिल रहा है,
कंपनी की बात करें, कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई देती है। कंपनी ओके, जब यहाँ पर सब चीज यहाँ दिखाई दे रही है, अच्छा खासा कंपनी चल रही है, तो ऐसे शेयर को नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बट एक टाइम के हिसाब से लेना चाहिए। कभी भी ऊपर चढ़ के शेयर नहीं लेना। अगर कोई यहाँ पर देखिए लिया होगा, ऑब्वियसली बात है 50% की यहाँ पर हम सबके साथ गलतियां होती है, मेरे साथ भी हुई है ओके, बहुत सारे शेयर अभी भी हमारे ऊपर के लेवल पे हमने ले लिए थे, वो नीचे आ गए, बट हमें धीरे धीरे सीखना है। सीखेंगे तो अच्छा पैसा हमारा बनता हुआ नजर आएगा। डेल्टा को करता क्या है वो जान लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में एक कंपनी काम करती है, हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स वगैरह भी है इसके। इसके अलावा ऑनलाइन स्किल गेमिंग में एक कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। इनके क्रूज भी यहाँ पर चलते हुए नजर आते हैं, इनका कशीनो यहाँ पर है, तो ये कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। मार्केट कैप 4,817 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी का चार्ट पैटर्न हमेशा इस तरीके से मिलेगा कि चीजें तो ऊपर जा रही है, तो इससे पता चल रहा है शेयर अच्छा है, बट यहाँ पर देखेंगे ऊपर गया गिरावट, फिर ऊपर गया फिर गिरावट, फिर ऊपर गया फिर गिरावट, फिर ऊपर गया गिरावट, ऊपर गया गिरावट, ऊपर गया फिर गिरावट, फिर ऊपर गया फिर गिरावट, तो इस तरीके की गिरावट रही है। बट याद रखिए, जिसने भी इन गिरावटों पे शेयर खरीदा है, ये जो गिरावट जब जब हुई है शेयर खरीदा है, तो उसे रिवॉर्ड मिला है, चाहे थोड़े टाइम बाद मिला है बट उसे रिवॉर्ड मिला है। तो ऐसी ही गिरावट ये हुई है, और जब यहाँ पर हम खरीद रहे हैं तो थोड़े बहुत टाइम के बाद अगर हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलता है और हमारे पैसे यहाँ पर डबल हो जाते हैं, तो क्या बुराई, कुछ भी बुराई नहीं है ओके। स्मॉल कैप कंपनी है, इसी तरीके से चलती है। पी की बात करें 30 का है, इंडस्ट्री का 31 का है, तो कहीं ना कहीं अब शेयर हो गया सस्ता, पहले था महंगा 340 पे, अब हो गया सस्ता, तो लेना चाहिए। कंपनी डेट फ्री है, तो डेट फ्री शेयर को हमेशा खरीदिए, इंटरेस्ट नहीं देना, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, और चीजें इन्फ्लेशन आए या कुछ भी आए, चीजें ऊपर जानी है नीचे नहीं जानी। आरओसी आरओई खास ठीक नहीं है बट ठीक है, शेयर ऊपर जाना चाहिए, हमें शेयर का एप्रिसिएशन से मतलब है ओके, चाहे इसका आरओसी आरओई कितना भी हो। पीजी रेशियो महंगा है बट कोई इशू नहीं है, सेल्स भी अच्छी नहीं है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा नहीं है ओके, ऐसे ही दिखा रहा है, और यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही शेयर यहाँ पर चल रहा है। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, बट याद रखिए ऐसी छोटी कंपनी में ही पैसा बनता है। अब बात करते हैं शेयर खरीदने के पीछे का पहला रीजन। पहला रीजन ये है कि यहाँ पर शेयर अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है ओके, लगभग 50% 340 से 180 पे शेयर आ चुका है। दूसरा रीजन ये है कंपनी के रिजल्ट, यहाँ पर देखेंगे 201 से लगातार यहाँ पर शेयर अच्छा खासा चल रहा था। कोविड आया, पूरा कंपनीज बंद होती हुई नजर आई, कोविड खत्म हुआ, अब कंपनी ने काम शुरू कर दिया दोबारा, और यहाँ पर बात करें 250 का अभी का हाईएस्ट एवर पिछले 12 क्वार्टर का सेल्स हुई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर आता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 3 क्वार्टर से, कंपनी का नेट प्रॉफिट वो हाईएस्ट एवर आ रहा है पिछले 3 क्वार्टर से, तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरी बात, कंपनी का मार्जिन 35% का मार्जिन आया है, जो कि एक साल पहले 37% का नेगेटिव था, तो कंपनी यहाँ पर अच्छी है, और अगली क्वार्टर का भी नेगेटिव है तो याद रखिए, तो अगले क्वार्टर के भी रिजल्ट अगर 35% नहीं आए, मैं मान के चल रहा हूँ कि 1% भी आया, तो 1% पॉजिटिव भी आया तो भी अच्छे रिजल्ट है। तो यहाँ पर अभी खरीदेंगे तो यहाँ पर 2 क्वार्टर के अंदर अंदर अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, तो सितंबर तक के रिजल्ट से पहले यहाँ पर मैं शेयर खरीदूंगा, और उसके बाद चुपचाप बेच के जो प्रॉफिट होगा निकल जाएंगे ले लेंगे, नहीं होगा तो भी यहाँ पर बेच के निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद पहाड़ खड़ा हुआ है 43% का, और जो कि मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे उसके 2 क्वार्टर के बाद, तो इसी बात को याद रखिएगा। सेल्स की बात करें, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी है ओके, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1-2 साल पहले की प्रॉब्लम समझ सकते हैं कोविड की वजह से थी। रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़े, लगभग 2,000 करोड़ के रिजर्व्स है, कोई बोरिंग नहीं है, वर्किंग प्रोग्रेस में 7 करोड़, इन्वेस्टमेंट 638 करोड़। कैश की बात करें, कंपनी का 103 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर पॉजिटिव बात है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है 33.23% की। FIIs ने इस पर्टिकुलर लास्ट क्वार्टर, लास्ट अभी ये अपडेट नहीं हुआ है ओके, इस चीज को याद रखिएगा, बट FIIs ने यहाँ पर खरीदारी करी है, DIIs ने यहाँ पर खरीदारी करी है। पब्लिक की बात करें शेयर गए हैं, और यहाँ पर बात करें एक चीज और, राकेश झुंझुनवाला सर की ये होल्डिंग दिखा रहा है, बट राकेश झुंझुनवाला सर ने यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली करी है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूरा चेंज होता हुआ नजर आएगा, शायद कुछ टाइम में ये आ जाएगा तो ये अपडेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगी ओके। तो यहाँ पर नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, तो रिजल्ट अच्छे, अगली बार के भी रिजल्ट आने अच्छे, जब यहाँ पर सब कुछ अच्छा आना है तो आपको पता ही है जब शेयर भागना शुरू करते हैं ना, तो एक एक दिन 5 से 1-1 महीने में यहाँ पर ये रिटर्न आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर शेयर लेता हूँ ओके, और मुझे पता है कि अगली बार के भी रिजल्ट अच्छे आने हैं, और ये शेयर अगर
यहाँ तक चले जाता है तो हमें यहाँ पर कितने 88% के रिटर्न मिल गए, और मान के चलते 88% के भी रिटर्न नहीं मिले, यहाँ तक भी चले जाता है 36% के रिटर्न मिल गए, और यहाँ तक तो जाना ही जाना है, यहाँ पर जाने से कोई नहीं रोकने वाला, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो 36-35% के रिटर्न के लिए यहाँ पर आप इसे बाइंग करके चल सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर साल में आता हुआ दिखाई देगा, जुलाई चल रहा है, दिसंबर तक ये टारगेट अचीव हो जाएंगे, और इतने पैसे यहाँ पर 35% के यहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाए एक पर्टिकुलर शेयर में, तो यहाँ पर ना तो बैंक देता है, ना एफडी देती है, ना कोई इन्वेस्टमेंट देता है, ना म्यूचुअल फंड देता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो एक बेहतरीन बैट है, वॉल्यूम अच्छे खासे है, ओके, कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे है, डेट फ्री शेयर है, सब चीज यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है, अगले क्वार्टर के भी रिजल्ट अच्छे आने ही है, ओके, तो यहाँ पर बैट लगानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शेयर खरीद लिया है, तो इसलिए बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइन शेयर वजह खुद की स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना है, चाइना इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रेडिंग दिल से जो हमारा दूसरा चैनल है इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।